दोस्तों, सरकार के द्वारा देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जमीन सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार किसी भी एससी एसटी की जमीन केवल एससी एसटी से संबंधित जाति के व्यक्ति ही खरीद या बेच सकते हैं। एससी एसटी के व्यक्ति अन्य जातियों जैसे पिछड़ी जाति में आने वाली सभी जातियों या सामान्य वर्ग की जमीन खरीद तो सकते हैं, लेकिन एससी एसटी के व्यक्ति को अपनी जमीन एससी एसटी से भिन्न किसी अन्य जाति को बेचने के लिए परमिशन लेना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी की जमीन बेचने के लिए परमिशन कहां से और कैसे मिलती है, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जमीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको उत्तर प्रदेश की परमिशन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में धारा 98 दी गई है, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। इस धारा के अनुसार अनुसूचित जाति के किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी जब अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास कोई भी जीवित उत्तराधिकारी ना हो, अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है उससे भिन्न किसी अन्य जिले में अथवा राज्य में किसी नौकरी अथवा व्यापार व्यवसाय के लिए बस गया हो या सामान्य तौर पर निवास कर रहा हो, या कलेक्टर को यह समाधान हो जाए कि विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य को घातक बीमारी है और उसके इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होने पर, या अंतरण के बाद आवेदक के पास 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन बचेगी। तो दोस्तों, धारा 98 में यही दिया गया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित कोई व्यक्ति अपनी जमीन अनुसूचित जाति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है तो बेचने से पूर्व जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेनी होगी, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति तभी दी जाएगी जब या तो अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसके कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं बचा हो, या बेचने वाला किसी अन्य जिले में निवास कर रहा हो और जमीन किसी दूसरे जिले में हो, या परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो उसके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता हो। इस स्थिति में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति दे दी जाएगी, या फिर जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसके पास बेचने के बाद भी 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन बचेगी तब भी उस स्थिति में उसको जमीन बेचने की परमिशन यानी अनुमति जिलाधिकारी महोदय द्वारा मिल जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि अनुमति के लिए आपको आवेदन कहाँ देना होगा और कौन उसकी जांच करेगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने की परमिशन के लिए अपना आवेदन आरसी प्रपत्र 27 में जिलाधिकारी को देना होगा। आवेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह अपनी भूमि अन्य समुदाय के व्यक्ति को क्यों बेच रहा है, और उसके संबंध में साक्ष्य भी संलग्न करने होंगे, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी है जिसके इलाज हेतु धन की पैसों की आवश्यकता होने पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, या ऐसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिससे आवेदक के पास विक्रय के बाद भी 1.26 हेक्टेयर से भूमि कम नहीं होगी, या आवेदक के पास प्रस्तावित भूमि किसी अन्य जिले में है और वह किसी अन्य राज्य में या अन्य जिले में निवास कर रहा है, या आवेदक के पास कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं होने पर उसके साक्ष्य संलग्न करते हुए और वह कितनी जमीन बेच रहा है उसका उल्लेख और जमीन के दस्तावेज यानी खतौनी लगाकर अपना आवेदन जिले पर जिलाधिकारी के यहाँ जमा करना होगा। आवेदन की जांच। आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक जाँच हेतु पत्रावली संबंधित तहसील पर भेजी जाएगी। पत्रावली तहसील पर पहुंचने पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच की जाएगी।
नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल या कानूनगो की सहायता से आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन और उन परिस्थितियों की जांच करेंगे जिनमें जमीन विक्रय की अनुमति चाही गई है। आवेदन पत्रावली प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर नायब तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या पत्रावली सहित जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। जिले पर जांच आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय को ये समाधान हो जाता है कि आवेदन में धारा 98 की शर्तें पूर्ण हैं, यानी आवेदक की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि उसको जमीन बेचने की अनुमति देना आवश्यक है। जैसे कि उसके परिवार के किसी सदस्य को वास्तव में गंभीर बीमारी है तो ऐसी बीमारी के इलाज के खर्चे के लिए जमीन विक्रय की अनुमति देना आवश्यक है, या आवेदक के पास कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है, या आवेदक के पास विक्रय के बाद भी 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन बचेगी, या आवेदक किसी अन्य जनपद में या अन्य राज्य में निवास कर रहा है। उपरोक्त शर्तों में से किसी एक भी शर्त के पूरा होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जमीन बेचने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी और जिलाधिकारी महोदय तहसील से जांच आख्या प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन अनुसूचित जाति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को बेचनी है तो इस प्रकार से जिलाधिकारी महोदय द्वारा परमिशन दी जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।